जो लोग रात को आधी रात को मुंह बंद कर छुपा कर अपना पोस्टर लगाए मंदिरों पे जाकर खालिस्तान का, वह सिख नहीं है, वह ISI के एजेंट हैं और उनको सिक्खी से कुछ लेना देना नहीं। कोई सिक्खी कभी भी ये नहीं सिखाती कि आप किसी धर्म का विरोध करो, किसी धर्म के दूसरे धर्म के संस्था पे जाकर आप कोई अपनी बात करो या जबरदस्ती को अपनी बात थोपो। अपेक्षा करते हैं कि कनाडा की सरकार तुरंत इस प्रकार के लोगों पर एक्शन लेगी, क्योंकि ये वैमनस्य फैलाना चाहते हैं, वहाँ समुदाय के बीच में वैमनस्य फैलाना चाहते हैं, और वहाँ पर इसके ऐसे कानून हैं जिसके अंतर्गत इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, परंतु कहीं ना कहीं कैनेडियन सरकार की ढील है, अपेक्षा करते हैं कि इन पर कार्रवाई करेगी। राहुल गांधी, भाजपा का लक्ष्य नहीं, पूरे देश का लक्ष्य है कि परिवारवाद को नष्ट करना है, भ्रष्टाचार को नष्ट करना है, तुष्टिकरण को नष्ट करना है। इंडिया हैज़ टू बी फ्री ऑफ डायनेस्टी, हैज़ टू बी फ्री ऑफ करप्शन, हैज़ टू बी फ्री ऑफ अपीजमेंट। ये बात राहुल गांधी को समझ में आने लगी है और इसलिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी आगे कह रहे हैं कि संसद में होता है तो वो सिर्फ दो मिनट बोलते हैं। मुझे लगता है कि ऊंचा बोलने के चलते हुए वह शायद ऊंचा सुनने भी लगे हैं, जिस प्रकार से वह पार्लियामेंट में ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे उस प्रकार से लगता है ऊंचा सुनने भी लगे हैं। शायद उनको उनके जो लोग हैं उनको ध्यान से उनको ब्रीफ नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा लंबे समय मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के बारे में चर्चा रखी और पूरी जानकारी भी रखी, किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट और मणिपुर के अंदर किस प्रकार क्या क्या मामला हुआ, कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे गड़बड़ हुई, किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने वहाँ पर बम्बार्डमेंट भी कराई एक राज्य में, तो वह सब जानकारी भी दी। परंतु क्योंकि उनको सुनना नहीं है, राहुल गांधी को सिर्फ बोलना है, इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ कह नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इस प्रकार के लोग हैं जो कि जातियों में समाज को बांटते हैं, जो राजनीति के चलते हुए धार्मिक वैमनस्य फैलाते हैं, सपा बसपा और कांग्रेस मिलकर, जहाँ ये दोनों में से कोई भी दल जा वापस मिलते हैं, और वहाँ पर इन्हीं सब के चलते हुए आपदा आती है और वहाँ दंगे होते हैं। जेपी नड्डा मांग रहे हैं, लेकिन उनके पास क्या सबूत है? वो खुद ही भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पड़े हैं, पीएम केयर फंड हो गया, राफेल डील हो गई, नोटबंदी हो गया, तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी और मोदी जी के आगे। इन सब मामलों में विपक्ष कोर्ट जा चुका है और कोर्ट से मुंह की खा चुका है। राफेल के मामले में राहुल गांधी ने कोर्ट में जाकर माफ़ी भी मांगी थी, नोटबंदी में कोर्ट ने उसको ठीक ठहराया है, परंतु क्योंकि अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए झूठ बोलो, वह चर्चा नहीं करेगी किस प्रकार उनके एक मंत्री के घर से 50 करोड़ रुपये नकद पकड़ा गया था, और बाकी मंत्री जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अपने सगे भतीजे जो कि उनका वंश आगे चलाने वाला है राजनीति में, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि किस प्रकार उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कोयला घोटाले के अंदर उनके खिलाफ जाँच हो रही है। अपनी अक्षमता का बहाना बना रही है, झगड़ेलू और निकम्मी सरकार है। इसमें कोई शक नहीं, दिल्ली सरकार झगड़ालू भी है और निकम्मी भी है, और इस हद तक झगड़ा करती है कि वह जो ब्यूरोक्रेसी है, प्रशासनिक जो लोग हैं उनको धमकाती है, उनको पीटती भी है, और जिस सरकार ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को अपने घर पे बुलाकर पिटवाया हो तो किस प्रकार की सरकार है समझ सकते हैं, क्योंकि उनका एक ही तरीका है अनार्किज्म का, माई वे या हाई वे, हम जो भ्रष्टाचार करें आप उस पर हाँ भरें, नहीं तो हम आपको पीटेंगे या आपसे झगड़ा करेंगे, यही उनकी सोच है। विद्रोह हो सकता है, अपनी पार्टी की चिंता करें, और लगातार उनके विद्रोह हो रहे हैं। अभी तो हाल में उनके एक मंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि देश का अगर कहीं रेप कैपिटल है तो वो राजस्थान है, और भ्रष्टाचार की लाल डायरी के बारे में चर्चा करी, तो उनकी पार्टी संभालें, बाकियों की बात छोड़ें। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल अपेक्षित तर्ज पर इस बिल की बहस हुई है। नहीं, बहस तो पूरी हुई है और सब दलों ने खुलकर चर्चा करी है। अफसोस तो है कि मणिपुर पर चर्चा नहीं करी, परंतु दिल्ली सर्विसेज बिल पर चर्चा करी, क्योंकि उनको लगता था कि दिल्ली सर्विसेज बिल हम सेमीफाइनल बनाएंगे, राजनीति कर रहे थे वो इससे, परंतु उनको मुंह की खानी पड़ी, अब वो झेप मिटा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।